हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राजसी पहाड़ों के बीच स्थित एक सुरम्य स्थान डॉन हिल स्टेशन में आपका स्वागत है। एक शांत वातावरण में स्थित डॉन हिल स्टेशन शहर की हलचल भरी जिंदगी से एक आनंदमय मुक्ति प्रदान करता है। जैसे ही आप इस सुंदर प्लेस की टूर करते हो, मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्यों, हरी भरी हरियाली और इस प्राकृतिक स्वर्ग को सुशोभित करने वाले प्राचीन झरनों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप एक शांतिपूर्ण छुट्टी, रोमांच से भरे भ्रमण या बस शांति के एक पल की तलाश में हो, डॉन हिल स्टेशन एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी है, जैसे कि डॉन हिल स्टेशन कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कब जाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अब डॉन हिल स्टेशन में घूमने के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर एक से, जो है डॉन हिल व्यू पॉइंट। डॉन हिल व्यू पॉइंट से मनोरम दृश्यों को देखकर अपनी यात्रा शुरू करें। हिल स्टेशन के उच्चतम बिंदु पर स्थित यह आसपास के पहाड़ों और घाटियों का आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर दो पर है फेयरी फॉल्स। फेयरी फॉल्स के लिए एक जादुई ट्रैक पर निकलें, जो हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ एक झरना है। अलौकिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे पिकनिक और प्रकृति की सैर के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नंबर तीन पर है विस्परिंग वुड्स। विशाल पेड़ों से भरे घने जंगल विस्परिंग वुड्स के बीच शांति की खोज करें। प्रकृति की पगडंडियों पर इत्मीनान से टहलें और हवा की धीमी आवाज सुनें। नंबर चार पर है शांति झील। शांति झील के झिलमिलाते पानी में आराम करें। यह एक शांत और एकांत झील है, जो डॉन हिल स्टेशन के केंद्र में स्थित है। नौकायन का आनंद लें या आसपास की शांति का आनंद लेते हुए आराम करें। नंबर पाँच पर है डॉन हिल वन्यजीव अभयारण्य। प्रकृति प्रेमियों के लिए डॉन हिल वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जैसे ही आप अभयारण्य के मार्गों से गुजरते हैं, दुर्लभ पक्षी प्रजातियों, हिरणों और बंदरों सहित क्षेत्र की विविध वनस्पतियों और जीवों का अन्वेषण करें। तो चलो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं डॉन हिल स्टेशन कैसे पहुंचना है। डॉन हिल स्टेशन पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आपके पास पहला विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। निकटतम हवाई अड्डा 120 किलोमीटर दूर सूरत में है। वहां से आप डॉन हिल स्टेशन के लिए टैक्सी या पहले से बुक की गई कैब ले सकते हैं। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। निकटतम रेलवे स्टेशन वाघई है, जो पश्चिमी रेलवे के बिलिमोरा वाघई नैरो गेज खंड पर है। गुजरात से सूरत या अहमदाबाद या यहां तक कि मुंबई से आने वालों के लिए बिलिमोरा अधिक सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है और वहां से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। वाघई और अहमदाबाद से राज्य परिवहन की बसें और प्राइवेट लग्जरी कोच हैं। यदि आप कार से आ रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग तेज हो सकता है, लेकिन राज्य राजमार्ग आश्चर्यजनक रूप से सुंदर ड्राइव की पेशकश करेगा। अब आगे बात करते हैं हमें डॉन हिल स्टेशन कब आना चाहिए। डॉन हिल स्टेशन की यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई और अक्टूबर के मानसून महीनों के बीच है। बार बार होने वाली बारिश इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ा देती है। तो अब बात करते हैं कि डॉन हिल स्टेशन में आप कहाँ रुक सकते हैं। तो आप वहाँ पर तोरण हिल रिसोर्ट में रुक सकते हो। यदि आप रोमांच की तलाश में हैं, तो डॉन हिल स्टेशन साहसिक खेल गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये हिल स्टेशन साहसिक प्रेमियों और बैकपैकर्स को ट्रैकिंग और कैंपिंग ट्रिप के लिए भी बेस्ट है। कोई प्रोफेशनल पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर के साथ पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकता है। चाहे आप प्रकृति के बीच शांति चाहते हो, रोमांचकारी रोमांच चाहते हो या आकर्षक विश्राम चाहते हो, डॉन हिल स्टेशन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो अपने बैग पैक करें और स्वर्ग के इस छोटे से हिल स्टेशन की यात्रा पर निकल पड़ें। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए डॉन हिल स्टेशन टूर गाइड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो।
आशा करती हूँ कि आपको हमारा डॉन हिल स्टेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।